हेलो एवरीवन, आज हम क्लास सिक्स के लिए बेटे चैप्टर नंबर 34 करने जा रहे हैं और चैप्टर का जो नेम है वो क्या है, अशोका दी ग्रेट। फ्रॉम द ग्रेटेस्ट मोनार्क इंडिया हैज़ एवर सीन द हम्बलेस्ट डिवोटी ऑफ द बुद्धा एम्परर अशोका लिव्ड सच एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ ही वॉज ट्रूली ग्रेट। मोनार्क होता बेटा राजा, किंग, जो सबसे महान राजा था इंडिया में हमने आज तक देखा है, और हम्बलेस्ट होता है सबसे ज़्यादा विनम्र डिवोटी, अशोका बुद्धा का, लॉर्ड बुद्धा हुए महात्मा बुद्ध, उनके जो राजा अशोका थे सब उन्होंने सबसे साधारण लाइफ जिया, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ है बिल्कुल उनकी, एक राजा होते हुए भी उन्होंने बिल्कुल एक साधारण सा जीवन जिया था, सचमुच वो बड़े महान थे। तो उनसे रिलेटेड हम कुछ जी के क्वेश्चंस रीड करने जा रहे हैं। फर्स्ट है बेटा, अशोकाज ग्रैंड फादर वॉज अ लेजेंडरी एम्परर नेम्ड। अशोका के जो ग्रैंड फादर थे वो लेजेंडरी एम्परर थे, उनका नेम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी है बेटा इसमें, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है सेकंड, एट द एज ऑफ 18 ईयर्स अशोका वॉज सेंट टू डैश, कहाँ भेजा गया था उसको, एंड वेयर ही डिफीटेड रिबेल्स एंड सर्व्ड एज वॉइसरॉय टिल ही टुक द थ्रोन। तक्षशिला भेजा गया था उसको, कहाँ भेजा गया था, तक्षशिला, जब उसकी उम्र 18 साल की थी, और वहाँ पर उसने डिफीट होता है हराना रिबेल्स, विरोधियों को, अपने विरोधियों को हराया, और सर्विस की वहाँ पर वॉइस रॉय की तरह, कब तक की, जब तक कि उसको सिंहासन नहीं मिल गया। थ्रोन क्या होता है बेटा, सिंहासन। थर्ड क्या है, द हिस्टोरिक सिटी ऑफ डैश रीनेम्ड एज पटना बाय शेरशाह सूरी, जो हिस्टोरिक सिटी है पाटलिपुत्र उसका रीनेम, दोबारा नाम दिया गया पटना, किसने दिया था, शेरशाह सूरी ने, वो कैपिटल रही थी किसकी, अशोका की। नंबर फोर देखो, द वॉर अगेंस्ट द किंगडम ऑफ डैश इन द सेम रीजन एज वेयर ओडिशा नाउ इज सेट टू बी द मेजर टर्निंग पॉइंट इन अशोका लाइफ। अशोका की जो लाइफ थी ना उसमें मेजर एक टर्निंग पॉइंट था कलिंगा का युद्ध, वार ऑफ कलिंगा, जो आज उड़ीसा में के नाम से जाना जाता है बेटा। तो उसके बाद उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था, वॉर बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, इन हिज एडिक्ट्स, एडिक्ट होता है शिला लेख, यानी कि पत्थरों पर, जो पहले ज़माने में पत्थरों पर लिखते थे, इन हिज एडिक्ट्स सम ऑफ देम लास्टेड टिल टुडे, अशोका इज रेफर्ड एज पियादसी। पियादसी के दो मीनिंग होते हैं, जिसका दर्शन करना बड़ा ही अच्छा लगता है, और भगवान के लिए, भगवान की जो दासी बन के रहे उसको भी पियादासी, और जो अशोका था उसको एक नाम दिया गया था पियादासी। ठीक है बेटा, ये 5 क्वेश्चन थे आपके, और अभी आपका, अभी 3 आपका क्या है, ग्रेट स्तूपा और सांची, क्या है, ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची, ये जो पिक्चर है, महाबोधि, महाबोधि क्या है, यहाँ पर एक टेंपल है जो गया में है, और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये लोयन की है, और लास्ट में हम करते हैं फाइल फैक्ट, द ओनली वार अशोका फोर्ट एज द एम्परर वाज द कलिंगा वॉर। ये कलिंगा अभी ऊपर क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, एज वन ऑफ द ब्लडिस्ट वार इन द एंशियंट इंडिया, एंशियंट इंडिया में सबसे खून भरा हुआ ये वार था बेटा। ठीक है, ये आप लर्न कर लेना, इनको नोटबुक में नोट डाउन भी कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।